अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम फ्रॉम बाकू। बाकू पीछे का व्यू चेक करें, ये फ्लेम टावर हमारे यहाँ पे, ये फ्लेम टावर। मैं थोड़ा बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ मैं, अभी निकला हूँ, मॉर्निंग का टाइम है। तो वेदर आप चेक करें कितना कमाल का, देखें क्या ज़बरदस्त वाइब है। इधर पीछे डेनिस मॉल है, बीच है इस साइड पर, ये देखिए यूरोपियन यूनियन का फ्लैग लगा हुआ है वो सामने। बिल्डिंग चेक करें, वो फ्लेम टावर है। तो एनीवे, बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप अज़रबैजान बाकू कैसे आ सकते हैं, कैसे वीज़ा मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो नीचे मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जाएं, $25 आपके लगेंगे, जो कि 3 दिन में आपको वीज़ा इशू हो जाएगा अज़रबैजान का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई झंडकेबाज मत जाएँ। $25 लगेंगे, 3 दिन में वीज़ा आ जाएगा। अगर अर्जेंट चाहिए तो $50 लगेंगे, जो 6 घंटे में आपको वीज़ा आ जाएगा, ठीक है, अज़रबैजान का। कोई आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो रिटर्न टिकट पूछते हैं आपको, ठीक है। बट मैं आया हूँ दुबई से, तो मेरे पास वीज़ा था, मुझे उसने कहा कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मुझे उसने कहा कि आप कहाँ, अबू धाबी से आए। मैंने कहा जी अबू धाबी से, वीज़ा है। मैंने कहा हाँ है। वीज़ा दिखाया उसको, तो उसने कहा ठीक है, उसने पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दी और मैं बाहर आ गया। एयरपोर्ट इतना ख़ास नहीं मेरे ख्याल से, मैं टर्मिनल 2 से आया था, इतना इसलिए मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, तो ये वजह। तो वीज़ा आपको ईजिली मिल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिंक दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ जाएँ, आपने डिटेल फिल करें और आपको 3 दिन के अंदर अंदर $25 में वीज़ा आ जाएगा। अगर आपको 6 घंटे में जल्दी चाहिए तो आपको $50 लगेंगे, जो कि आपका वीज़ा 6 घंटे के अंदर अंदर, एग्जैक्टली 6 घंटे के अंदर या 10-15 मिनट बाद आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। और जो लोग दुबई से आ रहे हैं, ठीक है, उनके पास एमिरेट्स आईडी है, मैं उनको रिकमेंड ये करूँगा कि वो वीज़ा ऑन अराइवल ला लें। बहुत लंबी लाइनें होती हैं, पैसे वही आपके लगने हैं, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन देने हैं $25। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल तो मिलेगा, मगर आपने पैसे उसके पे करने हैं, फ्री नहीं होता। लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं हम, इसके पैसे पे करने हैं या फ्री है, पता ही नहीं है, ट्रैवल ही नहीं करते, जाते नहीं हैं, तो इसलिए पता नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप अज़रबैजान आ रहे हैं, आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें 3-4 दिन 5 दिन पहले, आराम से दो हफ्ते पहले अपना, 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीना पहले अपना प्लान बनाएं, ठीक है, और महीना पहले प्लान बनाने के बाद टिकट बुक कर लें। दो अबू धाबी से वीज एयर की 700 मन्नत और 700 दरहम, 650 दरहम की आपको महीना पहले टिकट इजीली मिल जाएगी। बट मेरा ये था कि मैंने एग्जिट करना था, मेरा लास्ट डे था वीज़ा ख़त्म होने का, तो मैं मुझे मिली 1300 दरहम की मिली टिकट, ठीक है, और 1300 दरहम की मिली। अगर मैं 1300 दरहम की मुझे टिकट भी मिल रही थी पाकिस्तान की, ठीक है, रिटर्न, तो मैंने कहा यार पाकिस्तान क्या करना है, जाके बेहतर है भाई एक नई कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो फिर मैं अज़रबैजान आ गया, वीज़ा मेरे पास ऑलरेडी था, शुक्र है वो मैंने यूज़ कर लिया, और टिकट आपको सस्ती मिलेगी। अबू धाबी से आप ट्रैवल करें, दुबई में रहते हैं आप, अभी नब्दों से बस लें जाके, उसमें मैंने अलग ब्लॉग बनाए हुए, आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में जाके, बस लें 35 दरहम लेंगे वो, तो उसके बाद सीधा आप आपको एयरपोर्ट उतार देंगे ना, वो एयरपोर्ट उतार देंगे जैद एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट जाएं अपना सुकून से पकड़ें अपनी फ़्लाइट पकड़े और सीधा अज़रबैजान आ जाएं, ठीक है। और सिम भी इजीली आपको मिल जाएगी 28 मॉल से, 15 मन्नत की 10 GB आएगा। और ये जो ये वीज़ा है जो इसके बारे में बता रहा हूँ, वीज़ा ऑन अराइवल जो दुबई से आ रहे हैं वो बेहतर है कि वीज़ा लेके ही आए, क्यों, क्योंकि उनका टाइम सेव होगा। मैंने देखी है बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, $25 फ्री नहीं होता, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि भाई अगर आप अज़रबैजान आ रहे हो यूएई से, तो बेहतर है आप वीज़ा अपना लेके आएँ, वीज़ा ऑन अराइवल के चक्करों में ना पड़े। क्यों, आपको कार्ड देना पड़ेगा, कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। अगर कुछ लोगों के पास कार्ड नहीं होता, डेबिट कार्ड नहीं होता, जैसे कि मेरे पास डेबिट कार्ड फॉर एग्जाम्पल नहीं था, और शुक्र है मेरे पास वीज़ा था, उसने वहाँ पर 2 लाइनें होती हैं, एक है फॉरनर पासपोर्ट होल्डर, आप वहाँ जाएँ, अगर आपका वीज़ा है तो वहाँ जाएँ, अगर वीज़ा नहीं है तो आप वहाँ पर मशीनें लगी हैं, 7-8 मशीनें लगी हैं, वहाँ जाएँ, डिटेल फिल करें, कार्ड की डिटेल डालें, डेबिट कार्ड डालें, और आपको वीज़ा आ जाएगा उसी टाइम, ठीक है। $25 लगेंगे, $25 वहाँ लगने हैं, $25 वहाँ लगने हैं, तो बेहतर है भाई जान, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर देंगे, ऑनलाइन रिजेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है, आपको वीज़ा देंगे देंगे वो, चाहे जो भी, अगर आप दुबई से तब भी देंगे, अगर आप पाकिस्तान से तब भी देंगे, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तब भी देंगे वो, इसका कोई इशू नहीं है कि आप दुबई से आ रहे हो या पाकिस्तान से आ रहे हो, कैंसिल कर देंगे वीज़ा, उन्होंने देना ही देना है। टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, वेरी नाइस कंट्री है। इससे मई का महीना है और मैंने 3-3 शर्टें जैकेटें पहनी हुई, आपके सामने एक जैकेट है, शर्ट है, एक टी शर्ट है, पैंट है नीचे, क्योंकि यहाँ पर सर्दी है, धूप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी निकली है, कल वेदर बहुत ही था, इस टाइम 17 डिग्री यहाँ पर चल रहा है, तो
बहरहाल टॉपिक पे आते हैं, तो वीज़ा ऑन अराइवल अगर आपने लेना है तो आपको लाइन में तकरीबन एक घंटा वेट करना पड़ेगा। लाइन बहुत होती है लंबी, ठीक है, लाइन लंबी होती है और आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप वीज़ा ऑनलाइन लेके आए ताकि आपका टाइम सेव हो। टाइम इज़ मनी, अगर टाइम सेव करना है तो भाई वीज़ा लेके आओ, टाइम से नहीं करना वेले हो ठीक है, जा रहे हैं भाई जान, जो होगा देखी जाएगी, टाइम घंटा दो लगेगा मसला नहीं, हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो वो आप लोगों के लिए है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये है वीज़े के हवाले से डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। कोई वो इंश्योरेंस नहीं चाहिए, रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। वीज़ा आपको मिलेगा एक महीने का, एक महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आप हो जाओगे इलीगल, तो बेहतर है वो चक्करों में ना ही पड़े, इलीगल ना ही हो, ठीक है। तो $25 का मिलेगा, कोई रॉकेट साइंस, या खुद अप्लाई करें, नहीं आता किसी दोस्त से अप्लाई करवा लें, वेरी इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलें इंशाल्लाह, फिर आपको मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हो, इंस्टाग्राम मेरा है, मैसेज कर लें, आपको इसके हवाले से गाइड कर दूँगा, ठीक है। ये देखें फ्लेम टावर, अभी मैं जा रहा हूँ हाईलैंड पार्क, इंशाल्लाह ब्लॉग्स बनाऊँगा, बाकी इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। ओके, फिर अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।